हाय फ्रेंड्स, सरस्वती क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं बीके सर आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो हाई स्कूल इंटर में महत्वपूर्ण होते हुए आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल। अब सबसे पहले जो है आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल होता क्या है तो आपको बताऊं कि आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन तथा द। लेकिन अगर हम सोचें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या मतलब है, तो आप जानते हैं कि हमेशा आर्टिकल या तो नाउन के पहले यूज किया जाता है, और नहीं तो नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो वहां यूज किया जाता है। यानी नाउन के पहले और या तो नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। अब आर्टिकल आपको बताया गया होगा, पहले से भी जानते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित, और आप जानते हैं कि अगर नाम अनिश्चित है तो इनका काम भी अनिश्चित होगा। निश्चित रूप से ऐसा ही है कि यह ऐसे नाउन के पहले, वो भी कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 10, 20, तो उनके पहले ये लगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, ऐसे काउंटेबल नाउन जो होते हैं जो बिल्कुल गिने जा सकते हैं, और वो क्या होते हैं, संख्या में अनिश्चित होते हैं, उनके पहले हम क्या करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल दो होता है, ए और एन। अब बात आती है डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी आखिर में इसका नाम डेफिनिट क्यों रखा गया है, तो इसलिए डेफिनिट रखा गया है क्योंकि यह ऐसे नाउन को डिस्क्राइब करता है, ऐसे नाउन के पहले लाया जाता है जो क्या होता है, निश्चित होता है या बहुत विशेष होता है, और इसको हम कहते हैं, इसमें एक ही शब्द है द। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको बताऊं मैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं तथा डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। अब हम पढ़ने की दृष्टि से इसको दो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो कम से कम ये 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा और आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं एक बार इनडेफिनिट आर्टिकल का वीडियो दे रहा हूं और बाद में डेफिनिट आर्टिकल का। चलिए आते हैं, देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसमें कितने रूल्स हैं। अगर हम रूल की बात करें, रूल नंबर वन की हम बात करें, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा रूल नहीं देंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन की बात जब भी आ जाती है तो उसमें ट्रिकी चीजों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा आप ना समझिएगा कि मैं रूल से हट के जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, रूल पे ही आपको फॉलो कराया जाएगा, रूल से ही आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन रूल को हम क्या करेंगे, बिल्कुल कम कर देंगे, ट्रिक के द्वारा शॉर्ट कर देंगे। चलिए आते हैं, ध्यान देते हैं, पहले सबसे पहला रूल ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे काउंटेबल नाउन, आप जानते हैं कि काउंटेबल गिनने की दृष्टि से नाउन दो प्रकार का होता है, एक काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल, यानी गिना जाने वाला और न गिना जाने वाला। तो ऐसे काउंटेबल नाउन जिनके प्रारंभ में अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम वहां किसका यूज करते हैं, अ का यूज करते हैं, और अगर वॉवेल से शुरू होगा तो हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। आपने क्या सुना, एक बार जरा और ध्यान से देखिए, ऐसे काउंटेबल नाउन जिसके पहले, यानी जिस नाउन के पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके,
अगर ऐसे से शुरुआत उसकी होती है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और अगर उसकी शुरुआत, उस काउंटेबल नाउन की शुरुआत अगर वॉवेल से होती है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। चलिए आते हैं उदाहरण पे। जैसे मान लीजिए मैन है, अब आप जरा ध्यान से देखें, मैन की शुरुआत जो है, मैन शब्द के पहले क्या है, एम है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर हम मैन हो गया, ये मान लीजिए डॉल है, अगर डॉल लिखा हुआ है तो डॉल के पहले जरा शुरू में देखिए क्या है, डी है, तो हम क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। इसी तरह एक चीज और हम लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम बुक लिख दिए, बुक, बुक में जरा ध्यान से देखिएगा, यह बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है, और शुरू किससे हो रहा है, कंसोनेंट से, यानी बी से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। इसी तरह अभी मैंने कहा कि अगर ये काउंटेबल नाउन होंगे लेकिन अगर उसकी शुरुआत किससे होगी, वॉवेल से होगी, तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो चलिए जैसे देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया एप्पल, तो एप्पल के पहले क्या लगेगा, एन, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है। यहाँ शुरू में क्या हो गया, वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसी तरह मान लीजिए जैसे लिख दिया जाए इंक पॉट, इंक पॉट आप जानते हैं कि दावत होता है, ये किससे शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, यानी इस शब्द का जो पहला अक्षर है वो क्या है, वॉवेल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसी तरह एक और देख लीजिए, मान लीजिए हम लिख दें एलिफेंट, अगर हम एलिफेंट लिख दिए तो आप जरा सोचिए यहां, ठीक है, कि किससे शुरुआत हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वॉवेल है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे जैसे इंजीनियर है, ई एन जी आई एन डबल ई आर, अब सबसे पहले हम यही देखेंगे ये किससे शुरू हो रहा है, तो ई से शुरू हो रहा है, यानी ये वॉवेल है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। चलिए ये तो रहा पहला रूल, अब चलिए रूल नंबर जरा दो देखते हैं कि रूल नंबर दो क्या है। हाँ देखिए मेरे फ्रेंड्स, रूल नंबर दो जो होता है, सारे रूल्स को अपने में समाहित कर लिया है और एक विशेष प्रकार की चीज आपके सामने रखेगा वो। हाँ तो ध्यान से सुनिए कि अगर कोई भी नाउन है, कोई भी शब्द जो है, अगर है, अगर मान लीजिए उसका उच्चारण अगर हम करते हैं और वह क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है, व्यंजन, व्यंजन का मतलब क से लेकर के ज्ञ तक, अगर व्यंजन उच्चारण होता है उसका पहला अक्षर, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, चाहे भले ही उसके पहले अक्षर कुछ भी हो, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह दूसरा है कि अगर मान लीजिए शुरू में क्या हो, स्वर हो, यानी अ से लेकर के क्या हो, अह तक हो, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये सारे रूलों का मैं तो जानता हूं कि पहला रूल भी इसी रूल में है, अगर हम एक ही रूल आपसे बता दें कि देखो बेटा ऐसे करते हैं, तो वो समझिए पहले रूल को भी समाहित कर लिया है, यानी अगर किसी भी नाउन का पहला अक्षर चाहे जो कुछ भी हो लेकिन अगर उच्चारण करते हुए वो किसका काम करता है, कॉन्सोनेंट का काम करता है, तो उसके पहले हम अ लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट करेगा तब, और अगर वॉवेल का उच्चारण निकालता है, भले ही उसके पहले कोई भी अक्षर हो, कोई भी लेटर हो, इससे मतलब नहीं है,
मतलब सिर्फ इससे है कि उसका हम प्रोनंसिएशन देखते हैं कि प्रोनंसिएशन क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट बनेगा तो ए का प्रयोग करेंगे और अगर वॉवेल बनेगा तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आगे एक उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए व्यंजन की बात करें, जैसे यहां जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है ऑनेस्ट। अगर हम यहां ध्यान दें तो यह यच जो है, यच जो है क्या है, साइलेंट है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं। तो जरा आप ध्यान से सोचिए कि इस शब्द के पहले है तो यच, यानी इसका मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो रूल तो ये होना चाहिए कि हमको ए लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, यह हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है आ, यानी पहले ये जो है आ जो है उच्चारण इसका आ रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, आएं। इसी तरह जरा एक और ध्यान दिया जाए, एच ई आई आर, इसको हम कहते हैं एयर, न कि हेयर। एयर मींस होता है उत्तराधिकारी। अब जरा यहां भी ध्यान से देखें तो यहां भी यच साइलेंट है और यहां पहले क्या बन रहा है, वॉवेल बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसी तरह एक शब्द और जो है अगर लिख देते हैं हम, एम ओ यू आर ए टी एम ई, अगर इसको जरा ध्यान से देखें, ऑनरेबल, ये हॉनरेबल नहीं होता है, ऑनरेबल होता है। इसका मतलब हम इसका उच्चारण ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, वॉवेल है, तो यहां लिखेंगे एन ऑनरेबल। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से रखिएगा कि जितने भी शब्द, खास करके मैं बात, मैं पूरे शब्दों की बात नहीं कह रहा, ये ना आप सोच लीजिए कि सर ये पूरे शब्दों पर लागू होता है, नहीं, लेकिन अक्सर कुछ शब्द ऐसे हैं जो एच से शुरुआत होते हैं, लेकिन होता क्या है, एच साइलेंट हो जाता है, बाकी और कोई लेटर साइलेंट का आप लोग तो सोचिएगा ही नहीं। ये शब्द जो अक्सर ऐसे होते हैं वो एच से ही शुरू होते हैं और एच उसका क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ ऐसे शब्द हैं ये रटने वाले शब्द हैं कि हम रट लें कि इनका प्रोनंसिएशन क्या है, एच को साइलेंट मोड में करके है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा दूसरा रूल जो व्यंजन का काम करता है। जैसे ध्यान दें, यह एक शब्द है यूनिक। आप जरा ध्यान से देखें, यह यू से शुरू हो रहा है तो आप नियमतः तो कहेंगे कि यहां एन लगा दीजिए, लेकिन नहीं, जैसे ऐसा करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए यहां क्या यूज करेंगे हम, और यूज करेंगे क्यों, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यूनिक को लिखते हैं ऐसे, यूनिक। अब जरा ध्यान से देखें कि यह जो है यू है, यू का जो उच्चारण है, प्रोनंसिएशन है, यह वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो यह सीधे क्या है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। इसी तरह मान लीजिए इसको जरा ध्यान से हम लोग देखें, ई से शुरू हो रहा है, लेकिन जरा ई से शुरू होने के बाद इसका हम उच्चारण देखें, प्रोनंसिएशन कि क्या वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो हम जरा देख रहे हैं यहां लिखेंगे ऐसे, यूरोपियन, ये यूरोपियन हो गया, यानी ये जो ई और यू है, सीधे कहिए जो पहले ई है और यू है, यह
क्या बन रहा है? यो बन रहा है, इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले जो है हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे, अ यूरोपियन। तो इस तरह हमने क्या देखा, और एक और उदाहरण हम दिखाना चाहेंगे। तो देखिए जरा, अब जरा लिखा हो कहीं कि वन रूपी नोट, एक रुपए का नोट। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां वन को अगर लिखेंगे तो क्या बन गया, यह जो ओ है शुरू में, यह क्या बन रहा है? व बन रहा है, और व क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। ये ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण और आपको बताता हूं मैं इसी में, जैसे वन आईड मैन, एक आंख का व्यक्ति। अब जरा यहां फिर वही चीज जरा ध्यान से देखिएगा, यहां क्या बन गया? वन बन गया, और यहां ओ क्या बन रहा है? कॉन्सोनेंट बन रहा है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, यानी अ वन आईड मैन। यानी पूरे का निष्कर्ष आपने क्या देखा? निष्कर्ष सिर्फ इतना ही आपने देखा कि अगर कोई भी काउंटेबल नाउन होगा, अगर उसका प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो हम अ लगाएंगे, और अगर वॉवेल से हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब जरा इसमें हम थोड़ी सी बात कहेंगे। देखिए, मैंने उसमें तो कहा था अक्सर जो है यच से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो वो यच साइलेंट होने से क्या होता है? वॉवेल होता है। इसी तरह दो अक्षर की अगर बात करें, हम यू की बात करें और किसकी बात करें? ओ की बात करें, ये भी ज्यादा शब्द नहीं है, दोनों मिला करके 7-8-10 शब्द होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। यानी अगर यू है और ओ है, यही दोनों अक्षर से जब शुरू होता है तो उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट होता है, अदरवाइज इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट होता ही नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट रूल तीसरे पे आते हैं, तीसरा देखते हैं। अब तीसरा रूल है कि अगर कभी भी प्रॉपर नाउन का मतलब आप सोचते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी अगर कोई व्यक्ति है और उसका प्रयोग जो है, मतलब एक तरह से कॉमन नाउन के रूप में हो जाए, तो वहां हम जो है अ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अ। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए He is a Shylock। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये Shylock क्या है? तो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। तो बताइए, अगर ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल तो लगता ही नहीं है ना, लेकिन हम फिर ए क्यों लगा दिए? ये सिर्फ इसलिए लगाए कि ही इज अ Shylock। Shylock का मतलब ये होगा एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो, मतलब Shylock का अगर हम जो है उसका जीवनी पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो बहुत ही जो है अपने मित्र के प्रति समर्पित होता है। तो यहाँ Shylock नाम नहीं हो रहा है, यह कॉमन नाउन की भांति आ रहा है कि जैसे, मतलब वह जो है बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, Shylock की तरह है, Shylock नहीं है, वो Shylock की तरह, यानी Shylock के अंदर जो गुण है वह गुण इसके अंदर है। अब मान लीजिए हम अगर कह दें कि कालिदास, ठीक है, वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास जो थे वो जो है क्या थे? शेक्सपियर थे। तो आप जरा सोचिए, शेक्सपियर का मतलब क्या है? शेक्सपियर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, और कालिदास भी भारत के एक बहुत ही विद्वान कवि थे। तो इसका मतलब क्या है? He is a Shakespeare। अब ऐसा नहीं कि Shakespeare यहाँ क्या हो गया, प्रॉपर नाउन नहीं,
प्रॉपर नाउन है, लेकिन वह क्या कॉमन नाउन की तरह से काम कर रहा है। इस तरह से हम ध्यान देंगे, इस तरह से हम ध्यान देंगे कि जो ये तीन रूल है इसको मूलतः आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ इडियमैटिक फ्रेज होते हैं और कुछ और ऐसे शब्द होते हैं जो रटे रटाए होते हैं, जिनके पहले अ लगता है उसको हमें रटना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अभी लिखने से पहले मैं लिख दूंगा, आप लोग रट लीजिएगा। अंतिम रूल एक तरह से कहिए, जो चौथा रूल है, जरा उसे हम समझ लें। चौथा रूल, जैसे कुछ संक्षिप्त शब्द होते हैं जिसको हम इंग्लिश में एब्रेविएशन कहते हैं, जो एब्रेविएशन होता है वह निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दें MA MLA FIR, ये जितने भी शॉर्ट होते हैं इन सब के पहले हम क्या लगाते हैं, आईएन लगाते हैं। अब इसका रीजन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, वही जो मैं दूसरा रूल आपको पढ़ाया था ना, दूसरा रूल जिसमें सारी चीजें समाहित है कि अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट है तो अ और वॉवेल है तो एन, वही चीज है। जैसे जरा देखिए, अगर हम इस एम को लिखें तो ऐसे ही तो लिखेंगे, और एम की शुरुआत किससे हुई है, ए से हुई है, इसलिए यहाँ एन लगा दिए। इसी तरह एमएलए में भी ऐसे लिखेंगे, एम लिखेंगे तो क्या लगा दिए, एन लगा दिए। इसी तरह एफ आई आर में लिखेंगे हम एफ ऐसे, इसीलिए क्या लगा दिए, एन लगा दिए। तो हम इस तरह से देखते हैं कि अब जो चीज होगा वह क्या होगा, अंतिम रूल यानी रटने वाला। अभी मैं उन शब्दों को लिख दे रहा हूं, आप देख करके रट लीजिएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, एक सॉरी इसके लिए कि जल्दी जल्दी में यहां स्पेलिंग गलत हो गया है, एब्रेविएशन होता है, एब्रेविएशन बोलते हुए भी मैंने बोला एब्रेविएशन, लेकिन हमने जल्दीबाजी में कि वीडियो लंबा ना हो इसमें गलती हो गई। अब जरा यहां आते हैं कि देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले एकदम फिक्स है कि उसके पहले हमेशा अ लगाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, अ नॉइज है, अ फीटी है, अ न्यूजेंस है, अ बैड कोल्ड है, अ हेडेक है, अ टेम्परेचर है, यानी जहाँ कहीं भी ये शब्द अगर मिलते हैं आंख बंद करके हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और वैसे भी यहां अगर हम लोग जरा ध्यान से देखें, नॉइज तो यहां जो है कॉन्सोनेंट ही हो रहा है, पीटी में भी पी कॉन्सोनेंट ही हो रहा है, न्यूजेंस में भी क्या हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट ही हो रहा है। यानी एक तरह से ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये लिखने की कोई विशेष जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पूरे में आप लोग ध्यान से देखें तो किसका प्रयोग हुआ है, अ का हुआ है, और कहीं भी उच्चारण वॉवेल नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ इडियमैटिक फ्रेज हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज आप लोग पढ़ते हैं, उसमें जरा देखिए अ का यूज जरूर होगा। जैसे आन अ लार्ज स्केल, टू बी अ हरी, और इसी तरह है आन आप और सडन, इसी तरह है टू बी इन अ रेज। यानी जो ये इतने इडियमैटिक फ्रेज हैं, इनमें मतलब ए का यूज अवश्य करते हैं। अगर हम इसे मान लीजिए अगर लिख दे रहे हैं आल ऑफ सडन, तो ये गलत हो जाएगा, आल ऑफ अ सडन है। तो इस तरह से इन दोनों को आप लोग एक दो बार दिमाग, इसको तो मत देखिएगा, नहीं भी देखेंगे तो ये काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल क्या है, कॉन्सोनेंट है, पहला जो अक्षर है कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये इडियमैटिक फ्रेज को जरा आप लोग ध्यान से रट लीजिएगा। तो इस तरह से मेरे फ्रेंड्स देखते हैं, अगर इसको हम पांचवा कह दें तो इसमें
इन और एन के यूज में मूलतः पांच नियम आपको मिले। लास्ट में एक जो मूल नियम है जो सारे नियमों पर आधारित है, एक तरह से करिए मुख्य नियम है, तो उसको सुन लीजिए कि अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है, अगर मान लीजिए उसका शुरुआत जो है, जो पहला लेटर है, अगर उसका उच्चारण, उस लेटर को नहीं देखना है, अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो रहा है तो ए का यूज करेंगे, और अगर वॉवेल हो रहा है तो एन का यूज करेंगे। ये दिमाग में रख के आप लोग कितना भी प्रश्नों को हल करेंगे, गलती की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि सारे शब्द इसी पे बेस्ड हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं अब अगला जो वीडियो लेकर के आऊंगा वो डेफिनेट आर्टिकल का होगा, और निश्चित रूप से ये वीडियो इतना झकास होगा, फिर से द के यूज में आप लोग बार बार फंसते हैं, लेकिन यूं चुटकियों में आप लोग द का यूज करना सीख जाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।